नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सेंधा नमक के फायदे और नुकसान के बारे में। पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आज हम सेंधा नमक के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। सेंधा नमक सभी प्रकार के नमकों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। सेंधा नमक एक पहाड़ी नमक होता है जो स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। आयुर्वेद में भी सेंधा नमक को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयों में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे सेंधा नमक के फायदे और नुकसान। सेंधा नमक के फायदे। दांतों के लिए कारगर सेंधा नमक। सेंधा नमक दांतों के लिए बहुत उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल दांतों पर करने से दांत चमकदार और मजबूत बनते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए भी किया जाता है। गले के लिए उपयोगी है सेंधा नमक। सेंधा नकमले लाभों में एक लाभ यह है कि यह गले में खराश, गले की सूजन, गले की दर्द, सूखी खांसी और टॉन्सिल में लाभकारी होता है। रक्तचाप में सेंधा नमक के लाभ। इस बात की सभी जानते हैं कि नमक रक्तचाप को बढ़ाने के काम आता है। ऐसे में आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। एक गिलास पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर पीने से आपको रक्तचाप में फायदा प्राप्त होगा। इसका सेवन आप दिन में दो बार सकते हैं। त्वचा के लिए स्क्रब काम करे सेंधा नमक। सेंधा नमक त्वचा के लिए स्क्रब का कार्य करता है। इससे आपकी मृत त्वचा में चमक आ जाती है। इसे पैरों और हाथों पर रगड़ने से त्वचा साफ हो जाती है। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक लाभकारी। सेंधा नमक का उपयोग पानी पूरी, मसाला पूरी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों में किया जाता है। कई लोग अपने घरों में साधारण के स्थान पर सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। सेंधा नमक सांस संबंधी बीमारी के लिए। सेंधा नमक सांस संबंधी बीमारी में बहुत ही उपयोगी होता है। मांसपेशियों के ऐंठन में सेंधा नमक के लाभ। सेंधा नमक मांसपेशियों के ऐंठन में काबू पा लेता है। मांसपेशियों की ऐंठन से पीड़ित लोगों को एक गिलास पानी में सेंधा नमक मिलाकर देना चाहिए। जब वो इस पानी का सेवन कर लेते हैं तब कुछ समय के पश्चात उन्हें राहत का एहसास होता है। सेंधा नमक के नुकसान। सेंधा नमक के जहां बहुत से फायदे होते हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए सेंधा नमक के नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक, जिन लोगों का उच्च रक्तचाप होता है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जो सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उच्च रक्तचाप के लक्षण और घरेलू उपाय। दो, इसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है लेकिन इसमें खनिज तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आयोडीन युक्त नमक में मिश्रित करने की सलाह दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।